मन से शांत हूँ। इनके गुणों के विवर्धमान महान विचरे हमारे धन। पंद्रहवीं गाथा चले, तेरहवीं गाथा में सुद्रोवियों के प्रसाद से अनंत सुख होता है ऐसा कहकर अनंत सुख का स्वरूप बताया था। अब पंद्रहवीं गाथा में अनंत ज्ञान होता है ऐसा कहकर उस अनंत केवल ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। वास्तव में तो आगे ज्ञानाधिकार आने वाला है और फिर सुखाधिकार आने वाला है। ज्ञानाधिकार में केवल ज्ञान की चर्चा और सुखाधिकार में अनंत अतीन्द्रिय आनंद की चर्चा करने वाले हैं। एक खास बात ध्यान रखने की है प्रवचन सार में कि जब हम ज्ञानाधिकार कहते हैं तो ना तो मत ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान वाले ज्ञान होते हैं, ना सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान वाले ज्ञान होते हैं, और ना वो त्रिकाली ध्रुव जो भगवान आत्मा है ज्ञान ज्ञान स्वभाव, ना उसकी बात होती है, एक सर्वज्ञता की बात होती है। सर्वज्ञता जैन दर्शन का प्राण है। न्याय शास्त्र में तो जितना भी न्याय ग्रंथ हैं उनमें 70% प्रकरण सर्वज्ञता के संदर्भ में ही है। सुमंत भद्र के जितने भी स्तोत्र हैं उन पर जितने भी टीकाएं और भाष्य लिखे गए वो सब इसी पर है। प्रमाण व्यवस्था की जब भी बात करते हैं तो उसमें भी सर्वज्ञता ही प्रमुख रहती है। सुमंत भद्र के जितने स्तोत्र हैं वो अरंत भगवान की सर्वज्ञता को सिद्ध करने के लिए समर्पित है, चाहे वो आप्त मीमांसा हो चाहे आप्त परीक्षा हो विद्यानंद जी की, और भी जितने ग्रंथ हों वे आप्त का स्वरूप बताते हैं माने सच्चे देव का स्वरूप बताते हैं, तो उसमें सर्वज्ञता ही बात मुख्य रहती है। क्योंकि वितरागता भी है तो जरूरी, लेकिन वो वितरागता में इतना विवाद नहीं होता, सर्वज्ञता में विवाद होता है। और जो भी बताया जाता है उनकी वाणी में जो प्रमाणिकता आती है वो सर्वज्ञता की वजह से आती है, इसलिए सर्वज्ञता पर चर्चा ज्यादा होती है। ये दोनों ही अधिकार विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और इसमें भी इसे शुद्धोपयोग अधिकार को कितनी सी गाथाएं मिली, मेरे ख्याल से 12 गाथाएं मिली, कुल 12 से 20 तक है, कितनी है 12 से 13 से 8 ही गाथा है, 8 गाथाओं का तो शुद्धोपयोग अधिकार। शुद्धोपयोग इतना महत्वपूर्ण विषय और उसमें अनंत ज्ञान और अनंत सुख की ही बात कर रहे हैं। पहले अनंत सुख की बात करी, अब अनंत ज्ञान की बात कर रहे हैं। अभी 16वीं गाथा आएगी जिसे अपन ने कहा था बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसमें भी स्वयंभू की चर्चा करेंगे, तो वो भी सर्वज्ञता की दृष्टि से स्वयंभू की बात करेंगे, और वो ज्यादा कठिन के आनंददायी इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें अभिन्न षट कारक की चर्चा है। अभिन्न षट कारक का मतलब ये है कि जो भी सर्वज्ञता प्रकट होती है वो जो आत्मा प्रकट करता है, कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, करण भी वही है, संप्रदान भी वही है, और अधिकरण में अपादान भी वही है और अधिकरण भी वही है, इन्हें बोलते अभिन्न षट कारक। ये तो पूर्ण केवल ज्ञान की बात हो गई ना,
शंभु, शंभु शब्द का अर्थ ये होता है कि स्वयं बोध शंभु भगवान, मान जो सब कुछ स्वयं से ही हो, परम की रंच मात्र भी जहाँ अपेक्षा नहीं हो, पर का रंच मात्र भी सहयोग की जहाँ आवश्यकता ना हो। केवल ज्ञान का एक नाम असहाय ज्ञान भी है, पर असहाय शब्द हमको ऐसा लगता है अरे बेचारा असहाय है, अनाथ है, असहाय है, अनाथ है। लेकिन वो व्याख्या क्या करते हैं कि जिसे पर की सहायता की आवश्यकता नहीं है उसे बोलते हैं असहाय, और जिसका कोई दूसरा नाथ नहीं है वो स्वयं का नाथ है उसे बोलते हैं अनाथ। अभी कितने महान शब्द हैं, अपने जैन शास्त्रों में इसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, असहाय अनाथ है नहीं ना, और वो कितने दीनहीन हम उन शब्दों का अर्थ मान लिया। और भी वो नंगा लुच्चा शब्द, नंगा माने नग्न दिगंबर, लुच्चा माने केस लोंच करने वाले, केसों को भी नाई से नहीं बनवाए, माने इतनी भी पराधीनता जिनको स्वीकार नहीं है, ख्याल में आई ना। ऐसे ये महान शब्द हैं असहाय ज्ञान, तो उसी की बात क्यों कर रहे, मेरा ये प्रश्न समझ में आया ना कि शुद्धोपयोग की बात करते, शुद्धोपयोग वाले को कैसा सुख होता है, शुद्धोपयोग वाले कैसे होते हैं, अब ये ऐसी बातें करके मन शुद्धोपयोग की तो बात ही नहीं करते कि शुद्धोपयोग किसे कहते हैं। मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया तो बात तो उन्होंने वही शुरू कर दी है अपने ज्ञान और सुख की कहनी करनी है उन्हें बात, लेकिन चूंकि इन इन आठ घाताओं में दोनों की कॉमन बात कर रहे हैं, और कॉमन बात कर रहे हैं तो ना उसका ज्ञानाधिकार नाम रखा जा सकता है और ना उसका सुखाधिकार रखा जा सकता है। यदि ज्ञानाधिकार कहते हैं तो सुख की चर्चा क्यों है, और सुखाधिकार करते हैं तो ज्ञान की चर्चा क्यों है। अभी 13वीं गाथा में अनंत सुख की बात करी थी और 15वीं में अनंत ज्ञान की बात कर रहे, और वो अनंत ज्ञान स्वयं अपने आप पैदा हुआ है अभिन्न सत्कारक से, इसकी चर्चा 16वीं गाथा में करेंगे। तो क्योंकि दोनों की कॉमन चर्चा है उसको ही वो शुद्धोपयोग अधिकार कहते हैं, वास्तव में इसका नाम होना चाहिए शुद्धोपयोग फलाधिकार। शुद्धोपयोग के फल में जो हमें मिलता है उसकी बात वो करते हैं, और जैसे अपन कहते हैं ना कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमको पूर्ण स्वतंत्रता से कम नहीं चाहिए, भारतवर्ष ने नारा लगाया था, तो वो कहते हैं पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख चाहिए, और वो कहा से मिलेगा कि शुद्ध उपयोगी, इसलिए उन्होंने शुद्ध उपयोग अधिकार इसका नाम रखा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरा ज्ञानाधिकार और पूरा सुखाधिकार ये शुद्ध उपयोग की चर्चा है कि शुद्ध उपयोग के फल में ये मिलता है। मुझे बार बार विकल्प आता है प्रवचन सार में कुंद कुंद आचार्य देव सर्वज्ञता से बात शुरू करते हैं, चरणान योग में भी रतंगा शिवकाचार में बिल्कुल सर्वज्ञता से बात शुरू करते हैं, जैसे सच्चे देव सास गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन में आता ना, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आपतागम तपोधाम, तो आपकी बात करते ही सर्वज्ञता शुरू हो जाती है। बस सर्वज्ञ हेतु विदेशी हो, तो मेरे कहने का मतलब सर्वज्ञता माने सबको जानना, पर इतना अधिक बल जनागम में दिया है कदम कदम पर, लेकिन फिर भी एक अपेक्षा, यानी यहाँ पर अनंत और वहां एक,
इतना फर्क है। एक अपेक्षा जहाँ आई कि वो पर को नहीं जानता, उसको पकड़ के हमने इतना बड़ा तूल खड़ा कर दिया कि जैसे एक समय में तो ऐसा लगता था जैसे कांजी स्वामी की उपलब्धि कि उनने जो कुछ हमें बताया दिया है अकेला एक ही ये है कि आत्मा पर को नहीं जानता। ये तो सब सबको जानता से बात शुरू कर रहा है। अपने को जानने की बात होती है अकेली तो चौथे गुणस्थान में समाप्त हो जाती है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में अपने को तो जान लिया, सहायक सम्मा दर्शन हो गया, तो अपने को जानने का पूरा सही ज्ञान अपने का हो गया, फिर केवल ज्ञान की बात क्यों होती। केवल ज्ञान उसको ही पूर्णता कहते हैं, और उसी का सारा वर्णन इस प्रवचन सार में है। यानी जैन दर्शन में यदि कोई विशिष्ट बात है तो वो सर्वज्ञता की है। पर मैं आपको कह रहा था न्याय शास्त्र में हमने न्याय तीर्थ किया ना, तो न्याय प्रथमा, फिर न्याय दो साल का न्याय मध्यमा, तो दो साल में न्याय तीर्थ, जैसे पांच साल का कोर्स हुआ करता था, लेकिन परीक्षा एक ही दफे में हो जाती थी, इसलिए कोई कोई प्रतिभाशाली लोग तीन साल में ही निपटा लेते थे, वो तीन साल में न्याय तीर्थ हो जाते थे, लेकिन कोर्स वैसे था पांच साल का। तो न्याय प्रथमा में परीक्षा दी तो उस पेपर में 60-70% प्रश्न सर्वज्ञ सिद्धि पर ही होंगे। मध्यमा में दिया तो वही है, फिर न्याय तीर्थ में दिया तो वही, जैसे हम उस वजह से कहते थे एक सर्वज्ञ सिद्धि पर बढ़िया लेख तैयार कर लो, वो संस्कृत मीडियम से लिखना पड़ता ना, तो संस्कृत में और उसे तैयार कर लो तो तुम न्याय तीर्थ तक पार हो जाओगे। अब मैं संबंध भद्र की फिर बात करता हूं, कि जितने उनके स्तोत्र हैं भगवान की भक्ति, वो भक्ति में सर्वज्ञता, और अकेली सर्वज्ञता नहीं, सर्वज्ञता की सिद्धि ईश्वर मीमांसा है, कपिल मीमांसा है, बुद्ध मीमांसा है, और जितनी मीमांसाएं हैं उसमें उन्हीं ग्रंथों के अंतर्गत, तो उसमें भी वही सर्वज्ञता की बात है हर एक में। कपिलो यदि सर्वज्ञो बुद्धो नेति क्या परमा, बुद्धो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति क्या परमा, ताप भव यदि सर्वज्ञो मतभेदो कथम तयो, यहाँ से बात शुरू करते हैं कौन सर्वज्ञ है। पहले सर्वज्ञ किसे कहते हैं, सबसे पहले तो सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं, वो कहते पहले कोई सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता हो तो कौन है और नहीं है, ये मुफ्त की लड़ाई लड़ने से क्या फायदा, सूतना का पास जुराहों से लटा लटी, पहले तो ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, मैंने आप ये सिद्ध कीजिए कि सर्वज्ञ होना संभव है, माने सबको जाना जा सकता है, क्योंकि पंचम काल में कोई आदमी हमारे सामने ऐसा उपस्थित नहीं है जो सबको जानता, इसलिए वो एक बात प्रत्यक्ष नहीं थी कि सब चलो देख लो फना आदमी है तुम सारी परीक्षा कर लो, पूछ लो, ये जो भी तुम्हें करना हो कर लो। अब हमको परोक्ष में परोक्ष प्रमाणों से ही उस सर्वज्ञ की सिद्धि करनी है, तो उन्होंने वहीं से शुरू की, और फिर वो बात खत्म हो गई तो फिर कौन सर्वज्ञ है। मैंने बात कहां से शुरू की, सूक्ष्मांतर दूरा था प्रत्यक्षा कैसे सिद्ध था अनुमेयत्वादि अज्ञादि इति सर्वज्ञ संसिद्धि, और फिर कहां अगला स्टेप स्वत्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशास्त्रा विरोधवाद अविरोधो यदिष्टंते प्रसिद्धेन वादते, वो भी खत्म खत्म कर दो। आपने जो कुछ कहा है वो युक्ति और आगम से बाधित नहीं होता है, प्रमाण से बाधित नहीं होता है। युक्ति माने न्याय, न्याय न्याय बोलते हैं, तो प्रमाण न्यायात्मक को न्याय माने प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित नहीं है, परोक्ष प्रमाण से बाधित नहीं है, आगम से बाधित नहीं है, इन सारे प्रमाणों से उन्हें सर्वज्ञता सिद्धि। जब मैंने क्रमबद्ध पर्याय लिखी थी
तो उस वक्त ये मैंने प्रश्न सब विद्वानों से उठाया था कि तुम सब न्यायाचार्य हो, न्यायतीर्थ हो, न्यायालंकार हो। ये बनारस के सब पंडित न्यायाचार्य थे, हमारे पंडित हमारे गुरु जी न्यायालंकार थे, और न्यायतीर्थ तो बिना के बिना तो कोई पंडित ही नहीं होता था। ये पोजिशन, और सबने न्याय शास्त्र पढ़ाया और हमने पढ़ा आप लोगों से, और हमको सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध कर करके सिखाई, और आज तुम किरमत पर्याय माननी पड़ेगी यदि सर्वज्ञ को मानेंगे तो, बस तुम उसे मुकरने लग गए। आपको मालूम नहीं है सबसे बड़े न्यायाचार्य, नाम सुना नहीं होगा आपने, डॉक्टर महेंद्र कुमार जी, जो सबसे पहले पीएचडी डॉक्टर हुए पंडितों में, दिगंबर जैन पंडितों में सबसे पहले पीएचडी डॉक्टर वो हुए, और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने जैन दर्शन के और बौद्ध दर्शन के। वो सबसे पहले वो ही अखाड़ा छोड़ के भागे, वो ही कहने लगे कि नियम सार की वो गाथा उठा कर दी, पर कुछ जानता है वो तो व्यवहार है, व्यवहार झूठा है, वो तर्क वो दे रहे थे। उनकी किताब यहाँ कोर्स में चलती थी, और यहाँ के जो विद्यार्थी शास्त्री कहते ना तुम जैसे हो, उन्हें पढ़ना पड़ती थी वो, अभी है क्या नहीं है मुझे मालूम नहीं। हाँ, जैन दर्शन नामक किताब, ये कैलाश चंद्र जी की जैन धर्म और उनकी जैन दर्शन, और एक और थी इनने लिखी थी जैन धर्म, फिर इनने लिखी जैन दर्शन, फिर एक और विद्वान है श्वेतांबरों की, उनने लिखी जैन धर्म दर्शन। आप जानते हैं नाम बताओ, बनारस में थे पहले, और आजकल तो रिटायर्ड हो गए, इधर रहते हैं कहीं आस्था में मध्य प्रदेश में। हाँ, डॉक्टर सागर जी, देखो ये तो जैन धर्म नहीं पढ़े वाले शास्त्री नहीं है, इनने वो नाम जाने डॉक्टर सागरमल, उनने जैन धर्म दर्शन लिखा, और फिर वो यूनिवर्सिटियों के कोर्स में वो लगाई। तो वो न्यायाचारी ने जिनने जैन दर्शन किताब लिखी थी, सर्वज्ञता का विरोध उसमें किया, और इसलिए वो कांजी स्वामी के सबसे बड़े विरोधियों में मतलब सामने आ गए, सर्वज्ञता की बात सिद्ध करने के लिए। और दुर्भाग्य की बात कि ललितपुर में पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचारी से रामजी भाई की चर्चा हुई थी, इसी मुद्दे में बहस ऐसी समाज में बैठ गई आमने सामने, और पूरी समाज में बहुत बड़ा समाज है ललितपुर का, पार्टनर जी सुनाते थे मुझे, सभी को सुनाते थे कि जब बापूजी थोड़े कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि बहुत न्यायाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, दरवाजीलाल जी ने महेंद्र कुमार जी, हाँ, तो वो रामजी भाई उधर गुस्सा करके चलो नहीं चलो 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 ऐसा बात करके उसे खत्म करके और चल उठ गए। तो पाटनी जी ने कहा कि बापू जी ये आपने क्यों, चर्चा अच्छी हो रही थी तो बात हो रही थी, तो आपने बंद खत्म क्यों कर दी? तो क्या करता मैं ये मान लेता। यानी उनने ये खुद स्वीकार कर ली कि भाई मैं ये बात सिद्ध नहीं कर सकता था उनके सामने, तो मैं उठने के अलावा मेरे पास क्या रास्ता था। माने वो वकील थे ना, हैं, कि बिना कोई फैसला हुए मीटिंग को समाप्त कर देना, क्योंकि फैसला आ रहा था उधर आता था, तर्क के सामने वे कमजोर पड़ रहे थे। मैं सिर्फ उन विद्वानों की क्या हैसियत थी उस वक्त ये बात मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद अपने ही बहुत बड़े विद्वान, अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानने वाले और समाज भी कहने वाली, उनने यही बात शुरू करी कि पर को नहीं नियम सार की वही गाथा, और आत्मा पर को नहीं जानता इसलिए वो सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। तो उन्होंने ये पद नहीं सिद्ध हुआ कि हमारी क्रमवत बजाय का क्या होगा। इस तरह समझे ना, गुदा इस तरह उनने सर्वज्ञता
प्रश्न चिन्ह लगाकर क्रमबद्ध पर्याय को कमजोर किया। और बड़े पंडित जी जो कहलाते थे सबसे, वे तो मानते ही नहीं थे क्रमबद्ध पर्याय को। मान आपको माना मतलब उस वक्त काम करना कितना कठिन था है? ये सब बातें बहुत कुछ प्रसिद्ध थी, सब सब मोक्षु लगभग जानते थे अंदर से। ये पोजीशन है। अब मैं ये पढ़ता हूँ, अभी तो मैंने पूरा पढ़ लिया, इसकी टीका भी लिख दी, इस पर से वो अनुशीलन भी लिख दिए, लेकिन फिर भी नया पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर से बहुत उत्साह रहता है। सर्वज्ञता, सर्वज्ञता को समझे बिना जैन धर्म नहीं समझा जा सकता। कर्तृत्व का अभिमान नहीं टूट सकता। कर्तृत्व की जो धारा है, मैं करता और मैं करता, असली कर्तावाद की बात तो ये है कि हमारा उनका भगवान करता है और हमारा भगवान ज्ञाता है, जानता नहीं है, जानता है करता नहीं है। कहना है ना, जो कुछ होने वाला है वो जानता है करता नहीं है। और गजब की बात यह है, अभी वो अपने डॉक्टर भागचंद है ना, तो यूनिवर्सिटी महावीर स्कूल में कहा एक कार्यक्रम रख रहा है, सेमिनार, जिसमें राज्यपाल वगैरह, यही 8 तारीख यही रखा है स्मारक में, 8 तारीख को रखा है, मुख्य वक्ता मुझे रखा है और राजनीतिक बड़े बड़े लोगों को सबको बुलाने वाले। तो उनने मिले सब्जेक्ट, तो कही ये तो बहुत कठिन पड़ेगा। मैंने कठिन कैसे पड़ेगा, वो कठिन कठिन सरल तो तुम मेरे पे छोड़ो, तुमको ये रखो सब्जेक्ट, वो रखा तो वो उसको भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा देखो, मैंने उसको कहा जब मैं तुमको 2 मिनट समझाता हूँ तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि कोई भी धर्म वाला ये नहीं मानता कि हम परद्रव्य के करता है। क्योंकि हिंदू कहते हैं कि ईश्वर करता है, तो जो ये कहता है कि मैं करता हूं वो अपने ही ईश्वर को ललकारता है, वो अपने ईश्वर के विरुद्ध जाता है। नहीं ना, मुसलमान कहता है खुदा करता है, तो वो भी नहीं कह सकता, वो कहता है तो वो अपने ईश्वर के विरुद्ध जाएगा। तो ये तो सब मानते हैं कि हम और तुम करता नहीं है। और जैन दर्शन भी हमें यही तो सिद्ध करना है कि करता नहीं है। हम कहते हैं सब क्रमबद्ध है, सुनिश्चित है, नक्की है, स्वयं होता है अपने आप, और वो भी पहले से नक्की है। हम इस आधार पर उसे क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करते हैं, तो वो कैसे नहीं मानेगा कि तुम करता नहीं हो। हमारा मुख्य क्रमबद्ध पर्याय में पर्याय क्रमबद्ध हैं और क्रम से होंगी ये नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा है कि तुम जो करता बनते हो परद्रव्य के, वो तुम करता नहीं हो। यदि सच्चे हिंदू हो तो भी नहीं हो, सच्चे मुसलमान हो तो भी नहीं हो, सच्चे ईसाई हो तो भी नहीं हो, और सच्चे जैनी हो तो भी नहीं। इतने बड़े दार्शनिक सब्जेक्ट में हम सब एक मत हैं, कैसी कैसी बात है। क्यों, कौन करता है झगड़ा इसमें है? वो कोई कहता है ईश्वर करता, राम करता, खुदा करता, आपको मालूम है। अकबर के दिमाग में भी ये आ गया था कि मैं भगवान ही तो हूं, खुदा ही तो हूं, खुदा जो करता है वो ही काम राजा करता है, सम्राट भी वो ही करता है, वो प्रजा को सुख देता है, ये करता है, तो ये भी जनता को सुख देता है, भोग सामग्री सारे उनके दुख दूर करता है, उनके साथ अन्याय हो तो अन्याय को दूर करता है। इसलिए जो सिक्का ढले अब, इसमें एक तरफ सम्राट का
अकबर का चित्र होना चाहिए और दूसरी तरफ ईश्वर का, ईश्वर का माने अल्लाह का। ऑर्डर निकाला वहां की लोकसभा में रखा प्रस्ताव, तो बीरबल ने, मान सिंह ने, इन लोगों ने बहुत डट के विरोध किया। हिंदू राजाओं ने डट के विरोध किया कि ईश्वर के बराबर नहीं हो सकता कोई भी राजा, ईश्वर के बराबर अल्लाह खुदा के बराबर नहीं हो सकता, ये नहीं हो जाएगा। अब वो मुसलमान लोग समर्थन करने लगे, हो सकता है हुए। आखिरकार बहुत झगड़ा हुआ और इनने कहा कि साहब विद्रोह हो जाएगा देश में, विद्रोह हो जाएगा। तो अकबर ने अंदर तो जम गई थी कि मुझे करना ही करना है। बोले ठीक है, आप लोग विरोध करते हो तो मैं मानता हूं कि मैं ईश्वर के बराबर नहीं, ये मान लेता हूं, फिर भी ईश्वर के बाद दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर तो मैं हूं क्या? दूसरे नंबर पर मैं हूं इसलिए, इसलिए मेरा फोटो दूसरे पीछे, ईश्वर के जिस पर लगे खुदा का उसके पीछे मेरा फोटो लगना चाहिए, इसलिए ढाले जा सके और ऑर्डर दे दिया। बहुत अंदर विरोध हुआ, झगड़ा हुआ, चल रहा क्या हो, क्या होना चाहिए, अंदर से कैसे स्वीकार कर ले हमें इस बात को। मेरे कहने का मतलब कि एक तरीके से हमारा जयंदर साहब अपन कह रहे हैं, हमारा आत्मा, अपन तो थोड़ा आगे बढ़ गए, अपन तो ये कह रहे हैं कि वो जो परमात्मा है, हमारा आत्मा भी परमात्मा है, लेकिन वो ऐसा परमात्मा है कि जिससे परमात्मा बनते, वो तो सिर्फ बना बनाया परमात्मा है, उसके आश्रय से कोई परमात्मा नहीं बन सकता। लेकिन हमारा जो आत्मा है वो तो ऐसा परमात्मा है कि जिसके आश्रय से, ये पारस है और वो तो सोना है, पारस सुपारस है वही, अपने एक भगवान पारस हैं और एक भगवान सुपारस हैं। पारस सुपारस माने वो जो पारस पत्थर है, वो ही सुपारस पत्थर है कि जो लोहे को पारस कर दे, लोहे को सोना करे, वो तो पारस है, वो सुपारस कैसे हो सकता है? तो कहते हैं हमारा भगवान आत्मा तो सुपारस है, क्यों? कि वो आत्मा को उसका आश्रय करे तो पर्याय में परमात्मा बन जाता है, लोहा नहीं सोना नहीं बनाता, परमात्मा बनाता है। तो ये कहते हैं कि ये जो इतना वजन दिया है यहाँ सर्वज्ञता पर, मित्राज्ञता पर इतना वजन नहीं दिया है, ख्याल में ना, उसमें भी फर्क तो बहुत है कि अपने यहाँ तो बुक कहीं अपना भगवान दौड़ा दौड़ा कहीं भगत को बचाने नहीं जाता है, और उनके यहाँ तो भगवान दो भगत के बस में होते हैं, कहीं भी बैकुंठ में हो, कहीं भी हो, उन्हें दौड़ के आना पड़ता है, सारा भगत का कष्ट, भक्तों के कष्ट दूर करना पड़ते हैं, लेकिन वो भी भक्तों के, और जो उनके भगत नहीं हो भी कितनी तकलीफ पाते रहे तो भगवान को चिंता नहीं होती। आसान है ना उनके यहाँ, भगवान भगत के बस में हैं, उनके सारे कष्ट दूर करते हैं, लेकिन अपने तो ना भगत के करते हैं ना गैर भगत के करते हैं, किसी के करते ही नहीं हैं, वे तो सिर्फ जानते हैं। तो अभी अपने को लगता है पर हमें क्या लेना देना, जाने जानते ना। तो अपन बाहर से तर्क युक्ति से कितने ही जीत लें उन्हें, है ना मेरी, लेकिन इस पॉइंट पे हम हार जाते हैं, क्योंकि ये हमारे भगत हूँ, ये हमसे व्याख्यान सुनते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रशंसा करते हैं, और
बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो गणेश जी के मंदिर चले जाते हैं। क्यों? इनने ये और सीखा हमसे, ये भगवान तो कुछ करेंगे नहीं, और वे करेंगे तो अपन को तो क्या है, जो करे उससे काम चला देना चाहिए। उसका काट क्या करे? तो हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने और पंडितों ने सोचा, तो उन्होंने काट करने के लिए ये कहा कि नहीं नहीं आप अपने भगवान को कह दो, नहीं करते हो तो भी कह दो करते हैं। और हमने अपने भगवानों को कर्ता बना दिया, फलाने ने ये किया था, महावीर ने ये किया, परसनाथ ने ये किया, शांतिनाथ ने ये किया, उन सब के साथ एक कहानी जोड़ दी साहब जो है ना, और चंदा प्रभु ने, पद्मा प्रभु ने, प्रभु प्रभु थे ना, इनने सब भूत भगाने का काम लिया। यानी मतलब हमने क्या किया कि उनके पास नहीं जाए, ये तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। इसके लिए अपने भगवानों को कर्ता बना दिया। तो मैंने कहा तुमने अच्छा किया, माने घर में से बिल्ली निकालनी थी तो बिल्ली निकालने के लिए ऊंट घुसेड़ दिया। अरे दो चार चले जाते तो चले जाते, अपना मंदिर तो पवित्र रहता, वे वहां ना जाए, हमारे ही मंदिर में बने रहे, इसके लिए हमने इन्हें कर्ता बना दिया। आज ही हालत है ऊपर से नीचे तक, तो क्या कहें, क्या पंडित क्या महाराज, ये सब उसी लेन देन उसी लेन देन। आप कह के देख लो ये बात, आप नहीं कह सकते, नहीं कहने देंगे, कहने भी नहीं देंगे। ये तो गुरुदेव का प्रताप है इतना कि उन्होंने हमको इतनी जनता भी दे दी, समझ लीजिए हमारी ये संस्थाएं भी खड़ी होती जा रही कि हम जिंदगी भर तुम लोग तो कहोगे तो चलेगी गाड़ी, इतने श्रोता तुमको हमेशा मिलेंगे कि तुम सत्य को प्रतिपादन कर सकते हो। हम लोग तो उस जमाने से आए हैं और गुरुदेव लोग के जमाने में थे कि जहाँ कोई दूसरा था ही नहीं, वो ही अकेले, और ऐसे लोगों के सामने वो बात कहना, वो कहते रहे। ये प्रवचन साल गुरुदेव ने प्रवचन किए, एक एक गाथा में 20-20 पेज तो हमने छाट के लिख दें और ज्यादा किए। और मानो श्रोता कौन थे, कोई 60 बरस से नीचे का नहीं, सब पगड़ी छाप, कोई पढ़ा लिखा नहीं, पूरा मैं लेते। और उनके सामने इतने गंभीर तर्क देते रहे और कहते रहे, और ये उनके पहले ये भी नहीं था उनका कि साहब उनके बुक कैसेट बन जाएंगे, वो तो बाद में नवनीत भाई ने की व्यवस्था, इसलिए अपन जैसे श्रोता उनको मिल गए समझ लीजिए आप, आपके में नहीं था कितने, अपन को तो कितने सब शास्त्री विद्वान 150 में बैठे हैं जो अच्छा अध्ययन करते हैं गहराई से, उसमें जीवन लगाने वाले हैं, करने वाले हैं, ऐसे श्रोता कहाँ मिलते हैं बोलिए है? इसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतने बड़े सौभाग्य की कल्पना नहीं कर सकते। यदि जगत की सरलता का ध्यान रखते लोगों की समझ में नहीं आएगा तो क्या होता है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वज्ञता पर कितना वजन दिया। अब गाथा का अर्थ करते हैं तो ऐसा लगता है नहीं इसमें क्या कहे, देखो पढ़ो 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 प्राकृत पढ़ो, फिर हिंदी पढ़ो, ध्यान देना। सीधा सच्चा अर्थ है ना कि उपयोग विशुद्धो जो, जो जीव जिनका उपयोग विशुद्ध है, माने जो शुद्धोपयोगी हैं, माने जिन्होंने अपने उपयोग की शुद्धि शुद्धोपयोग से की है,
उन्होंने चार घातिया कर्मों के नाम है जी, आवरण माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय और मोह रज, समझे ना, मोहिनी, इन चार घातिया कर्मों का घात करके कैसे स्वयमेव आदा आत्मा ने स्वयं किसी दूसरे के सहयोग से नहीं, किसी दूसरे से करवाए नहीं, किसी दूसरे से करने की आशा नहीं रखी, किसी दूसरे को मैं तेरा कर दूंगा ऐसा आश्वासन नहीं दिया। भूदो स्वयमा वादा स्वयं ही वे आत्मा गे भूदानाम परम जादी, वे गेयों के पार को प्राप्त हो गए, उन्हें सारे गे जान लिए, माने सर्वज्ञ हो गए। यानी उन्होंने स्वयं घातिया कर्मों का घात करके, मैं तो कहता हूँ कि ये वाक्य भी ऐसा लगता है कि कुछ उन्होंने पर में किया, वो घातिया कर्मों को गड़बड़ किया और फिर इसे पाया। उनने तो उसमें भी कुछ नहीं किया, वो तो कर्म भी ऑटोमेटिक अपने काम, गुरुदेव की भाषा में कहें तो कर्म कर्म के कारण नष्ट हो गए। नष्ट हो गए माने जो कर्म रूप थे ना वो कारमान बैगना रूप हो गए, बदल गए, वो उनका उनमें हो गया और इनने गे के पार को पा लिया। गे के पार को पा लिया मैंने सारे गेयों को जान लिया, माने सर्वज्ञता प्रकट हो गई। अब बिल्कुल सीधी सच्ची बात है ना, इसमें क्या है, इसमें क्या तर्क युक्ति की बात है, उन्होंने अपनी बात ये बात कही। अब ये बड़ी बात कब हो जाती है कि ऐसा हो सकता है, ये तर्क युक्ति से सिद्ध करो तो राजबार से खड़ा हो जाएगा उसमें से, आप समझे ना। अरे वो दूसरी बात है, पढ़ो सोलवी दो, दोनों एक जोड़े से ही है ना, एक सी मेरे पर सूरत सहाओ कहते हैं ना, वो तो स्वयंभू नेता है। स्वयंभू नेता मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं कि उसे किसी ने नेता बनाया नहीं है, किसी कोई उन्हें नेता मानता नहीं है, कोई उससे कहता नहीं है कि आप आओ स्टेज पे भाषण दो, आज तक किसी ने उन्हें बुलवाकर भाषण देने को बुलाया नहीं है, ना निमंत्रण दिया, लेकिन वे तो स्वयंभू नेता है, वे तो आएंगे दरवाजे पे उन्हें रोका जाएगा तो उससे लड़के झगड़ के धक्का मार के आएंगे, फिर भी स्टेज पे आएंगे, उन स्पीकर मांगेंगे, नहीं दोगे तो वो भी छीन लेंगे और छीन कर उन्हें जो कहना है वो कह जाएंगे, यदि तुम्हें शांति से अपनी सभा चलाना है तो उन्हें कह जाने देना नहीं। अपन कहते हैं ऐसे आदमी, तो उनको ऐसे लोगों को अपन स्वयंभू नेता कहते हैं। स्वयंभू नेता माने दूसरों के द्वारा बने नहीं, ये भगवान के लिए शब्द प्रयोग कर रहे कि सारे भगवान स्वयंभू नेता हैं, तुमने उन्हें भगवान बना दिया इसलिए वे भगवान नहीं है। उनने वो सर्वज्ञता चार घातिया कर्मों का अभाव करके अपने ही आत्मा के आश्रय से अपने को देखा और वो स्वयं ही प्राप्त की है, इसलिए स्वयंभू है, स्वयंभू की गाथा कहलाती है। गुरुदेव ने स्वयंभू की गाथा, स्वयंभू की गाथा, हम कहते स्वयंभू की गाथा क्या है? और अपना अपना जो ड्राइवर है ना शंभू, वो स्वयंभू, वो स्वयंभू से बना हुआ है, वो शंभू माने शिवजी वाला शंभू जी नहीं है, शंभू वो क्या बोलते हैं, वो भी इसी अर्थ में है कि उन्हें किसी ने महादेव बनाया नहीं है, वे देवों के देव स्वयंभू अपने आप बन गए, ख्याल में आई ना। और अब वो कहें इसके लिए क्या अर्थ, इसे लंबा के क्या अर्थ लिखें,
तो उन्होंने कहा कि वो जो सर्वज्ञता प्रकट की तो वो उसके कर्ता भी वे ही है। किसने की? कि हमने खुद ही किया, किसी दूसरे का उसमें कुछ भी नहीं है। कि उनका जो काम हुआ ना स्वयंभूपना माने सर्वज्ञता, वो भी वो ही है, वे स्वयं ही सर्वज्ञ है। कभी किसके सहारे से? कि खुद के ही सहारे से करी, इसलिए करण भी वे ही है। कि उनने वह सर्वज्ञता जो पैदा करी तो दी किसको, किसके लिए पैदा की? कि खुद के लिए। उनने वह सर्वज्ञता जो पैदा की वो ऐसी प्रसाद के रूप में बांटी नहीं है किसी को, खुद अपना ही आत्मा को दी। संप्रदान भी वे ही है। कहते वो अपने ही आत्मा में से निकाली, क्यों बाहर में से नहीं निकाली। गुरुदेव वैसा फरमाते थे कि चना है ना, चना तो ये सूखा चना, वो हरा चना नहीं लेना, तो ये थोड़ा तुरा तुरा बोलते थे, तुरास हो जाता उसमें, थोड़ी सी ऐठान सी कड़वार सी कुछ ऐसा हो जाता है उसका जो स्वाद है। अभी कभी चखना उसे कच्चे चने को बिल्कुल, तो वो जो स्वाद है उसको तुरास बोलते थे, वो तुरास तुरा तुरा हो जाता है। अब वो कहते थे कि वो अग्नि के संपर्क में आए वो सिक जाए तो वो तुरास गायब हो जाती थी और मिठास पैदा हो जाती, फिर वो सिका हुआ चना अच्छा लगता है। तो अब वो जो चने की बात क्यों कहते हैं कि जितने और सब चीजें हैं जैसे मूंग है मसूर है जो भी कर दाल है, तो इन सब में आप घी में तेल में किसी में तलेंगे और नमक डालेंगे जी कुछ ना कुछ करके, तब उसे खाने लायक बनाएंगे। बस वो एक चना ऐसा है कि बस वो आग में सिकेगा, फिर उसमें कुछ नहीं डालेंगे, ना घी ना तेल ना कुछ ना कुछ ना नमक वमक, और वैसे ही फूट जाएगा कुछ भर भर मुझेगा और फिर उसे खाओ अच्छा लगता है। तो गुरुदेव बताते थे कि वो ऐसी वो सर्वज्ञता ऐसी है कि वो कहां से आई, कि वो जो मिठास आई और वो तुरास गई वो कहां से आई, कि चने में से ही आई, चने ने ही पैदा की, चने ने चने को ही दी, वो मिठास ही पैदा हुई, वो उसी में से आई, उसी के आधार से आई, सब कुछ उसमें से ही हुआ। तो इसलिए कहते हैं सर्वज्ञता जो है इसमें रंच मात्र भी किसी का योगदान नहीं है, वो सब स्वयं ने की। कहा तो जाता है गुरु का नाम तो लिया जाता है, साहब लिया जाता कि नहीं लिया जाता, और कहते हैं कृतज्ञ है और गुरु को तो स्मृति स्मरण करना ही चाहिए, और अपने यहाँ तो बहुत ही ज्यादा हो गया। अपने हम एक घंटा भाषण करें और उसमें 10 मिनट यदि गुरुदेव को याद करें तो लोगों को कम पड़ता है, कभी गुरुदेव का नाम ही नहीं लेते, गुरुदेव का नाम ही नहीं लेते, तो पूरा घंटा ही लेते रहे हैं, कम पड़ता है। वे कहते हैं कि नहीं कुछ भी, वे तो निषेध के लिए ले रहे कि उसमें से कुछ नहीं किया। अपने आप गुरु कैसे होते हैं बताओ, घबराना नहीं। गौतम स्वामी थे ना, उनके गुरु कौन थे सोचो। मैं तो कई दफे कह चुका हूं इसलिए तुम लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको पता नहीं हो उनके लिए कहता हूं कि उनके गुरु कौन थे। जग प्रसिद्ध है कि भगवान महावीर के पट्ट शिष्य नंबर एक के शिष्य है। अब मैं कहता हूं कि उन्हें जो धर्म की प्राप्ति हुई वो महावीर से हुई, कि महावीर को तो ये शर्त थी कि जब तक गौतम गणधर नहीं आएंगे और वो नहीं मौजूद होंगे तब तक दिव्य ध्वनि नहीं खेलेगी, तो तब तक तो वे बोले ही नहीं। अब गणधर देव जहां थे वे अजय में थे, मतलब जनेतर में थे,
तो वहां से इंद्र ने जाकर के इंद्र ने भी पूछा उनसे, इंद्र ने कुछ समझाया नहीं, और बेबी जोम में चलो तुम्हारे गुरु से देखते हैं, उन गुरु के पास ही चलते हैं। वो आ गए, अभी महावीर तक पहुंचे ही नहीं और मानस तंभ के देखा तो अपन उसका है, अब उसको निमित्त कह दो, कोई ना कोई निमित्त तो कहना है, अपन तो निमित्त वाले हैं। तो बस उन्होंने देखा, उनका मान गल गया, मोह गल गया, मच्छर तो गल गया, सब में दृष्टि हो गया, अरे सब में ज्ञानी हो गए, फिर दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद गणधर बन गए, मैंने आचार्य बन गए। अभी किस महावीर बोले ही नहीं, अभी महावीर के पास गए ही नहीं, महावीर की दर्शन ही नहीं किए, देखे ही नहीं, ये तो मानस तंभ के पास हो गया, मन प्रदाय ज्ञान हो गया, अवध ज्ञान हो गया, तो चार ज्ञान के धारी हो गए। और जब भी ऐसे फुलफिल गणधर बन गए और तब उपस्थित हुए, तब महावीर की दिव्य ध्वनि खिली, क्योंकि वह तो नियम था कि गणधर देव की उपस्थिति के बिना खिलती नहीं है। अब उनके भी गुरु हैं और सबसे पहले नंबर के शिष्य हैं, उनने सब कुछ सिखाया, ना उनने उनसे कुछ सीखा, ना उनने कुछ उनका किया, और इसमें कोई विवाद नहीं है। गौतम स्वामी उनके प्रति शिष्य हैं, इतिहास में लिखा, भूगोल में लिखा, पुराणों में लिखा, पर हम सब बिना निर्विवाद मानने के लिए तैयार हैं। गौतम स्वामी भी मान रहे महावीर सब मान रहे कि नहीं मान रहे। अभी ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई, ये 100% ऐसी है ना, तुम लोगों ने भी सुनी हुई है, कोई लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं है। ये सारी कहानी से मैं, वे उनके गुरु नहीं हैं ये बात अच्छी तरह सिद्ध कर सकता हूँ, और गुरु हैं ये सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन ये सिद्ध है और मुझे कोई सुनता नहीं। सिद्ध जानते किसे बोलते हैं, सर्वमान्य हो सिद्ध आता ना, साध और सिद्ध आता ना, कि जो वादी को माने प्रतिवादी नहीं माने तो वो साध होता है, और सब मान ले तो बस वो साध बना खत्म हो जाएगा। तो सर्वमान्य मेरा मतलब वो ये सर्वमान्य है, तो अपना जो निमित्ताधीन कथन है वो कितना थोता नहीं कहना चाहता मैं। कोई अच्छा शब्द आप सुन लेना कि उसमें क्या है, हम एक दूसरे के उपकार करता है, हमने किया भला किया, हम माने चाहे दूसरा माने चाहे कोई माने चाहे कैसे माने, क्या क्या किया, ये कर्तृत्व की क्या दशा है, ये आप विचार करो। अभी देखो इसमें क्या गुंजाइश है बहुत समझाने की, कि इन्हें कहा ना कि अभिन्न षटकारक, तो फिर षटकारक समझाओ, फिर षटकारक में भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक समझाओ, फिर निश्चय कारक और व्यवहार कारक समझाओ, फिर एक एक के उदाहरण दे दे करके लौकिक दृष्टि से समझाओ, फिर उनको समझाने के बाद में निश्चय नए पर घटित करो, और घटित करके ये सब पूरा जब कारक सिद्ध हो जाए तो कारक 6 क्यों लिखे, 8 क्यों नहीं लिखे, ये सब समझाओ, ये सब समझाओ, इतना बड़ा विषय हो जाएगा, 7-8 पेज हो जाएंगे इसका अर्थ करते करते। जरूरत तो रही नहीं है, पर तुमको पढ़ना हो तो इसमें पढ़ लेना, ये सब मैंने किया है, ऐसा जानते हुए भी कि तो सबकी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी पूरा एक 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 लिखा। और आगम के आधार से देखो, जयचंद जी साहब बड़ा फलाने साहब ये सब लिखते हैं जो भी है। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने इसमें भी देखी वो गलती, एक तो पांडे राजमल जी जो थे वो तो समय सार कलष्टिका के लेखक थे, और प्रवचन सार के जो लेखक हैं वो पांडे हेमराज जी हैं टीकाकार। अब लोग पांडे हेमराज जी और पांडे राजमल जी में अंतर नहीं कर पाते, एक दो जगह तो मैंने ही पांडे हेमराज जी की जगह पांडे राजमल जी लिख दिया,
अभी मेरे पढ़ने में आएगी कि मैं राजमा जी गए, हेमराज जी हैं, राजमा जी कैसे लिखे, ऊपर लिखे सब पता था हेमराज, लेकिन वो राजमल जी समय साल पढ़ते पढ़ते इतने अंदर प्रवेश कर गए थे कि वो फटाफट जल्दी जल्दी में वो पहनने राजमल जी लिखे। तो तुम्हारा यदि कहीं ऐसा निकलेगा इसमें तो समझ लेना, ठीक कर लेना, वो ये प्रवचन साल वाले पांडे हेमराज जी हैं। ये भी ऐसे उच्च कोटि के विद्वान रहे होंगे, क्योंकि जैसे पांडे राजमल जी ने कि कलश टीका के आधार पर बनारसी दास ने छंद लिखे, समझे ना, ऐसे ही प्रवचन सार की पांडे हेमराज कृत जो टीका है उसके आधार पर कविवर वृंदावन दास जी ने छंद लिखे। और दोनों में अंतर क्या है ये भी समझ लो, आधार मुझे दिमाग में आ रहा है तो बता रहा हूं, फिर कभी कोई बता पाएगा नहीं क्योंकि और जगह लिखा नहीं मिलेगा। के बनारसी दास ने तो ना तो मूल समय सार पढ़ा नहीं था, ऐसा मैं नहीं कह सकता, और ना आत्मख्याति टीका, उनने तो कलश टीका पढ़ी और वही उनके लिए समय सार है, और सब कुछ जो कुछ है उनके लिए वही था। हिंदी के कवि थे वो, और उन्हें बस हिंदी जानते थे, संस्कृत ज्यादा जानते नहीं थे, तो वो उनने हिंदी का जो पांडे राजमल जी की जो कलश टीका थी उसके आधार पर उनने अपने कविता लिख दिए, इसलिए समय सार की पूरी विषय वस्तु उसमें नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि शुरू की 12 गाथाओं में कोई छंद नहीं है, 3 मंगलाचरण के छंद है ना, और फिर चौथा छंद 12 गाथा के बाद आता है, कौन नवोदेती नयश्री अस्तमेती प्रमाण, समझ में, तो ये 12 गाथा में तो पूरा समय सार एक दफे हो गया, और अमृतचंद्र ने उसमें एक कलश लिखा नहीं, ये है ना आश्चर्य की बात, और उन्हें नहीं लिखा तो बनारसी दास ने कुछ नहीं लिखा। समझ गया ना, बनारसी दास का जो नाटक समय सार है वो क्या चीज है अब समझ में आया, वो जहां जहां उन्हें कलश छोड़ दिए तो वहां पर छूट गई, और इन्होंने एक एक गाथा 20-20 कलश लिख दिए तो उन्होंने भी 20-20 छंद लिख दिए। इसलिए नाटक समय सार सर्वांग समय सार नहीं है, फिर 47 शक्तियों की कोई बात नहीं आई नाटक समय सार में, क्योंकि 47 शक्तियों पर वो वहां खत्म हो गए ना, वहां कलश कलश टीका नहीं है, गद्य था तो राजमल जी ने कुछ नहीं लिखे तो उन्होंने कुछ नहीं लिखे, समझ एक खुद निकालना भी है बहुत कठिन काम है, जब 80 वर्ष के हो गए तब निकलेगा, निकाल दोगे, हुए और इसी में लगे रहे तो हम तो हो गए और लगे रहे, वो तो हो गए और अब इतना होना है पर लगे रहना है, ये बात। अब वृंदावन दास जी को अपन बहुत पूजा पाठ वाले समझते हैं, जय जय नाथ परम गुरु हमारे केला केला और सुपारी उनकी पूजने ऐसी हैं, वो बहुत पूजने लिखी उन्होंने, लेकिन उन्होंने पूरी एक एक पंक्ति समय सार गाथा और उसकी तत्व प्रदीप का टीका, और उसकी टीका कौन पंडित पांडे हेमराज जी की, उसके आधार पर लिखे, इसलिए ये सर्वांग प्रवचन सार परमागम इसका नाम है, उनका नाटक समय नाम है ना उसका, इसका नाम क्या है शांतिलाल जी, प्रवचन सार परमागम नाम से ये किताब छपी है, हमने पहले पढ़ी थी प्रवचन सार परमागम, उसमें से बीच बीच में इधर से इधर से लाए निकाल करके। तो ये मेरे कहने का मतलब सर्वांग है, वे बराबर उससे लग के आए। अब अपन कहते साहब नाटक में सार है तो फिर आपने काय को लिखा, पद्यानुवाद काय को किया कलशों का, अब उन्हें क्या बताएं काय को किया, उन्होंने तो पूरे कलशों पर लिखा भी नहीं है, कई कलश छूट गए बनारसी दास ने लिखा ही नहीं,
मानु बनारसी लाल जी तो कवि थे। कैसे कवि थे कि उनको जो जच गया ध्यान से सुनना, बस उस पर एक बढ़िया कविता बना दिया और गाने लग गए। मंदिर में जाके गाया, गांव मोहल्लों में गाने लग गए, कहीं गाने लग गए। ऐसे करते करते बहुत छंद बन गए, या तो उनके जिंदा रहते ही या उनके मरने के बाद उनको इकट्ठा करके किसी ने छाप दिया, उसका नाम रख दिया नाटक समय। क्योंकि बेतो पांडे राजमन जी को नाटक समय सार का मर्मी कहते हैं। नाटक समय सार के मर्मी पांडे राजमन जिन धर्मी, यानी उसके पहले नाटक समय सार बन गया। वे तो आत्मख्याति को कलशों को ही नाटक कहते हैं एक तरीके से। उनने कहा को रखा, इसलिए उन्होंने नाटक समय सार नाम रख दिया उसका। तो बहुत बढ़िया चीजें मिलेंगी उसमें, लेकिन वो सब बीच में कट कट के मिलेंगी, पूरी नहीं मिलेंगी। और वे तो छंद से भी लग के नहीं लिखते हैं। वो छंद क्या की पूरी बात हो गई है जरूरी नहीं है। वे नया उदाहरण भी डाल देंगे, नई बात भी कर देंगे, और ये एक छंद के छह छंद लिख देंगे और उसमें अपनी बातें कर देंगे, और उन्हें उन्हें जज जाए तो 2200 पक्ष के नाम भी लिख देंगे वही। वो नाटक समय सार की एक पोजीशन है, कोई धन नहीं कह रहा था। तो अब जैसा कि ये प्रतिसार परमागम है, बाकायदे पूरी गाथा गाथा, हर गाथा का किस गाथा का क्या अर्थ, ऐसा यदि हर कलश का चाहिए था और कलश से लग के चाहिए था तो वो कुछ नहीं था बिल्कुल, तो समझ लो हमने उसकी पूर्ति की है। क्या समझ में आई? हमने तो नाटक समय साथ पढ़ लिया, उसे पढ़ने की क्या जरूरत है? अभी नाटक समय साथ 3 दफे पढ़ो, फिर 3 दफे उसे पढ़ो, फिर दोनों की कंपेरेटिव स्टडी करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये पढ़ना जरूरी क्यों था। अब जो इतना काम तुम पहले करोगे नहीं इसलिए तुम्हें कभी पता चलेगा नहीं। हमें तो जो विकल्प अभी आया तो एक दफे बता दिया, और नहीं आया था तो नहीं भी बताते, क्यों चलते क्या नहीं चलते। मैंने इतना अंतर है उसमें, एक कोई उसकी निंदा नहीं कहता हूँ, निंदा के अर्थ में नहीं लेना, एक गहराई से अध्ययन करने की बात है। और जो भी पांडे राजमल जी के नए प्रकरण में जो भी कमी राजमल जी की रही है, वो सारी कमियां समय नाटक समय सार में दी है। समझ में आई ना? आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तो उस वक्त वो सारा बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब ये बहुत खतरनाक बात कहता हूं, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, खतरा तो मुझे है कि पूज गुरुदेव श्री ने 19वीं बार जो प्रवचन किए, वो पांडे राजमल जी की जैस पंचाध्याय में जो नयों का वर्णन है उसके अनुसार किए, इसलिए उसमें भी वो सब बातें आ गई। अब एक खतरनाक बात है, आप जिसमें ताकत हो पचाना, पढ़ना, अध्ययन करना और आत्मा का कल्याण करना हो करना, और नहीं तो उन लोगों के साथ हो जाना जो मेरी आलोचना कर रहे हैं, उनके साथ झंडा लेके खड़े हो जाना। कभी ऐसा है तो समझना हो तो समझना।